वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो डियर चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर योर स्टडीज नाउ। सो यू ऑल गेट रेडी फॉर योर क्लासेस। कक्षा 2, विषय हिंदी, और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आई एम गुड स्टूडेंट। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं रानी कुरेशी, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आप अपना वर्क बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं, आप इसी तरीके से अपना वर्क करते रहिए। आपकी इसी मेहनत और लगन को देखते हुए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है सर्वनाम। ओके, तो स्टूडेंट चलिए जल्दी से उठिए, अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर आइए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको ये जानना है कि सर्वनाम शब्द होते कौन कौन से हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे लिए क्या यूज होगा? मेरे लिए यूज होगा मैं, मेरा, हमारा। ठीक है, और जैसे हम किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड कौन से यूज होंगे? किसी और के लिए, तो उसके लिए यूज होंगे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है, और जिसके बारे में हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज होगा वे, वह, ये, इसका, उनका, या उन्हें, या उन्होंने। ओके, और अगर हम किसी अपने से बड़े के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है आप, आपको, या आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है सर्वनाम। ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिनांक। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं डेट और हिंदी में दिनांक। तो आज है दिनांक 23/4/2020। ठीक है, और विषय है व्याकरण, टॉपिक सर्वनाम, और आज आपका ये कार्य कक्षा कार्य। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख दिए, परिभाषा लिख दिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और उसके उदाहरण मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये है मैं, हमारा, वे, आपका, तुम्हारा, उसका, आदि। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, जैसे कि मैंने लिखा अपने लिए, मतलब मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, कोई बात मैं अपने लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है रानी हूँ, तो यहाँ पे मैं रानी हूँ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? मैं रानी हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? मैं, क्योंकि इसमें हम संज्ञा तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पिता का नाम श्री रमेश गुप्ता है। किसके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम, क्योंकि यहाँ किसके बारे में बात चल रही है? मेरे बारे में बात चल रही है, तो यह कौन सा सर्वनाम आएगा? उसके पिता का नाम, पिता का नाम श्री रमेश गुप्ता है, तो यह आएगा मेरे पिता का नाम श्री रमेश गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार सुखी परिवार है। ठीक है, तो किसके बारे में बात चल रही है? मेरे बारे में, तो मेरा परिवार, किसका परिवार? मेरा परिवार। ठीक है, तो ये कौन सा सर्वनाम आएगा? मेरे, या मेरा परिवार। ठीक है, मेरा परिवार सुखी परिवार है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, जिससे बात की जाए। अब जिससे बात की जाएगा मतलब है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जिससे बात की जाएगा मतलब है मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सर्वनाम आएगी? तुम। अगर मैं यहाँ पे आपका नाम लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन यहाँ पे हमें संज्ञा का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे संज्ञा की जगह सर्वनाम का यूज करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुम कौन हो। ठीक है, नेक्स्ट है, नाम क्या है। अब मैंने आपसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुम्हारा क्या है वो भी सर्वनाम है, तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट,
अब स्टूडेंट जैसे मैंने बोला जिससे बात की जाए, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने पूछा माता जी का क्या नाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, टेल मी, यस तुम्हारा, मतलब तुम्हारी, तुम्हारी माता जी का क्या नाम है, ओके अब नेक्स्ट, जिसके बारे में बात की जाए। अब जैसे कि मैं किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो कौन है, वो अदर पर्सन है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए, कौन, जैसे कि आपका फ्रेंड, जैसे राधिका है, राधिका कौन, मतलब वह राधिका, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वह राधिका है, ठीक है। अब मैं भाई हूं, मतलब मैं, इसमें इसमें कौन सी सर्वनाम आ सकती है बताइए, चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसमें आएगा मैं भाई हूं, मतलब मैं उसका भाई हूं, किसका भाई, मतलब राधिका का, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका भाई हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, उम्र 8 साल है, किसकी उम्र, आपके फ्रेंड की, आपके फ्रेंड की उम्र कितने साल है, 8 साल, मतलब उसकी उम्र 8 साल है, क्योंकि यहां हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी उम्र 8 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़ना बहुत पसंद है, किसको पढ़ना पसंद है, आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड को, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कौन सा सर्वनाम लिख सकते हैं, उसे, उसे पढ़ना बहुत पसंद है, उसे पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर इस वर्क में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कक्षाकार में से ये करना है, ये आपको परिभाषा उतारनी है, सही, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वर्क करना है, ये आपको वर्क नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। और स्टूडेंट आपका जो होमवर्क है, मैं आपको वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, आप उस वर्कशीट में बहुत अच्छे से वर्क करिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप सेफ रहिए, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अरे बच्चों, अब आपका गृह कार्य है। गृह कार्य में आपको वर्कशीट को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।